रविवार की रात वाहन की चेकिंग के दौरान पुलिस व गैंगस्टर की मुठभेड़ में इनामी बदमाश के गोली लग गई। पुलिस ने उपचार हेतु गैंगस्टर को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस अधीक्षक खुद घायल का हालचाल लेने लोहिया अस्पताल पहुंचे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी शरगम, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी छत्तर। थाना मुगदरवाजा पुलिस व एसओजी टीम बीती रात लगभग 1 बजे कायमगंज रोड पर वाहन चेकिंग कर रही थी कि तभी शिभाग्यार उर्फ कचरा निवासी भोगांव मैनपुरी उधर से बाइक द्वारा निकला। संदिग्ध दिखने के कारण पुलिस ने कचरा को रोकने का प्रयास किया, तब उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायर किए। पुलिस द्वारा किया गया फायर सीधा जाकर कचरा के पैर में लगा, जिससे वह घायल हो गया। उसके बाद उसे लोहिया अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया। आपको बताते चलें कि कचरा जनपद फरुखाबाद पुलिस का वांछित अपराधी है और उसके ऊपर 25,000 का इनाम भी है। इस इनामी बदमाश पर लूट, डकैती, चोरी आदि के लगभग 30 मुकदमे पंजीकृत हैं। पुलिस को इसकी तलाश थी। इसी मामले में पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने यूपी 76 न्यूज़ को बताया। घटना के संबंध में अपडेट करें कुछ? ये आज करीब रात को 12:30 बजे थाना मौदरवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति, जब उसे रोका गया तो वो रुका नहीं और पुलिस के ऊपर उसने फायरिंग स्टार्ट कर दी। आगे जाकर उसकी मोटरसाइकिल फिसल गई और पुनः जब उसको पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो वो पुलिस के ऊपर दोबारा से फायरिंग करने लगा। पुलिस ने भी अपने बचाव में फायरिंग की, जिसमें कि जो व्यक्ति है उसके लेफ्ट पांव के अंदर गोली लगी है और उसको तुरंत से वहाँ पर लोहिया अस्पताल के अंदर फर्स्ट एड के लिए भेजा गया है। इस व्यक्ति की पहचान शिवा गिहार उर्फ कचड़ा, जो कि भोगांव मैनपुरी का रहने वाला है, के रूप में हुई है और ये जनपद फतेहगढ़ से गैंगस्टर के अपराध के अंदर वांछित भी था और इस पर 25,000 का इनाम भी था। इसके अलावा इसकी जो क्रिमिनल हिस्ट्री है, इसके ऊपर करीब लूट, डकैती, चोरी, एक्साइज एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के करीब 30 मुकदमे हैं और इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जी सर।